Our today topic name is difference between verify that and prove that. एंड ये मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि मैक्सिमम स्टूडेंट मेक ए मिस्टेक. दे कंसिडर कि सर बोथ आर सेम बट देर इज अ डिफरेंस. सो लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज अ डिफरेंस. इन मैथ्स वेरीफाई मीन फिजिकल चेकिंग. ओके, आई सेड फिजिकल चेकिंग, चेक करना है वो वेरीफाई कहलाता है. इफ आई आस्क यू कि मैंने आपको मनी दिया है, व्हाट आई विल से कि भाई चेक कर लो कि मनी कंप्लीट है या नहीं, राइट? तो फिजिकल चेकिंग है वो वेरीफाई होता है, फाइन. लेकिन क्वेश्चन में है अगर यही प्रूव दैट में क्या होगा. प्रूव दैट होता है सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट. देखिए मैं लॉजिकल स्टेटमेंट में लॉजिकल को अंडरलाइन कर रहा हूं, इनसर्कल कर रहा हूं. लॉजिकल मीन टू गिव वन आफ्टर अनदर स्टेटमेंट एंड गिव ए लॉजिक. जब हम कोर्ट को कहते हैं ना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, जो हम दलील देते हैं उसमें प्रूव करते हैं, हम वहां वेरीफाई नहीं करते. प्रूव का मतलब होता है टू गिव लॉजिकल स्टेटमेंट. लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे दोगे बैठे बैठे आप? और दूसरा है कि प्रूव दैट और शो दैट है वो दोनों सेम कंसिडर किए जाते हैं मैथ्स में, राइट? अब बात करते हैं सर, बेटर है टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, सेम क्वेश्चन करता हूं. देखिए इस यही क्वेश्चन मुझे मेरे इंटरव्यू में पूछा था. व्हेन आई स्टार्ट फेस फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई टीचर, जब मैं टीचर बना था, वो पहला क्वेश्चन यही था. देखिए क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री. ये मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है. यहां पे वेरीफाई करूंगा और यहां पे मैं प्रूव करूंगा. सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, राइट? अब देखिए वेरीफाई का मैंने क्या, फिजिकल चेकिंग. व्हाट आई विल डू, मैं फटाक से नहीं, मुझे वेरीफाई करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं प्रोटेक्टर लूंगा और प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं एंगल मेजर करूंगा, राइट? ये एंगल मेजर किया मैंने. एंगल जब मैं मेजर कर लेता हूं तो वो फिजिकल चेकिंग क्या हो जाएगी. अगर ये एंगल मेरा 60 डिग्री आया, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा, 60 प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री. इफ सम कम 180 डिग्री, ये मेरा वेरीफाई होगा. तो वेरीफाई के लिए एक नहीं, हम तीन चार फिगर लेते हैं. एक और ट्रायंगल मैंने ले ली, एक मैंने दूसरी तरह की ट्रायंगल ले ली, राइट? अब इस ट्रायंगल में मैंने देखा कि भाई एक एंगल 90 डिग्री है, वन एंगल 50 डिग्री है, अनदर इज 40 डिग्री. अब चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि भाई ये है कि नहीं. जब मैंने 90 प्लस 50 प्लस 40 इनको करा तो 180 ही डिग्री सम आ रहा है. तो मैंने सेकंड एग्जांपल में भी चेक कर लिया. थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का. इसको मैंने 60 लिया, 60 एंड 60. देखिए नाउ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मैंने चेक करके देखा तो तीन जो डायग्राम मैंने लिए हैं, आप तीन की जगह पांच डायग्राम ले सकते हैं, सबका सम 180 डिग्री आ रहे हैं. ये मैंने वेरीफाई करा है, चेकिंग करी है. बट यही क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूव करो. देखिए प्रूव जो है ना वो तभी होगा जब आप प्रूफ दोगे, एंड जो प्रूफ मिल जाता है ना तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन जाती है. यूनिवर्सल स्टेटमेंट कब बनेगी, जब उसका प्रूफ अवेलेबल है, राइट? लेकिन ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट वेरीफाई में नहीं होता. अब चेक करते हैं, क्वेश्चन है कि इसको प्रूव करना है कि सम इज 180 डिग्री, राइट? तो सबसे पहला है कि एक जो लाइन है ना, मैं छोटा कंस्ट्रक्शन करूंगा, एक लाइन एल है ना वो पैरेलल करूंगा मैं बीसी के, और कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रो ए, यानी कि जो ए हमारा वर्टेक्स है वहां से वो पॉइंट लाइन पास करेगी. सो दिस इज द ए वर्टेक्स, इससे मैंने एक लाइन पास करी एल, और कंडीशन इज देयर इज ओनली ओनली कि दीज टू आर पैरेलल, बीसी और ये पैरेलल है, एग्री? Now, if I ask you कि भी एंगल 1 और एंगल B, ये दोनों अल्टरनेट हैं, बराबर हैं, 1 इक्वल टू B, और रीजनिंग क्या दोगे आप, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है. अल्टरनेट एंगल तब बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स है, ये इसकी रीजनिंग होगी पहला. अगर आप नोट करो ये जो 2 एंगल है ये C के बराबर है, और रीजनिंग सेम है, 2 है वो C के बराबर है और सेम रीजनिंग है. नाउ आई थिंक वन मोर लॉजिक विच आई विल गिव कि दीज थ्री एंगल्स मेक ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एंगल जो ए है ये बीच वाला है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल ए,
दीज थ्री एंगल्स मेक स्ट्रेट लाइन. यहाँ रीजनिंग होगी स्ट्रेट एंगल में, लीनियर पेयर नहीं बोलूंगा. लीन पेयर में तो दो एंगल होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे वो स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का सम 180 होता है, स्ट्रेट लाइन है. अब वन जो है वो तो बी के बराबर है, यानी कि इस वन की जगह पे मैं एंगल बी लिख देता हूँ, और ये टू है ये सी के बराबर है तो यहाँ पे सी लिख देता हूँ, और ये एंगल ए है तो ये 180 डिग्री आ गया तीनों का सम. देखिए सेम क्वेश्चन है और मैंने दो तरीके से किया है. अगर हमें प्रूव करने के लिए आएगा आप ये मेथड करोगे, अगर वेरीफाई करने का आएगा तो आप दो तीन डायग्राम बना के शो करोगे. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूव दैट एंड वेरीफाई दैट.